दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे गेम के बारे में बात करने वाला हूँ यार, जिसका लोग बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, मार्केट में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। मतलब जब से पबजी बैन हुआ था तब से लोग सोच रहे थे कि इसकी जगह कौन सा गेम लेगा, और लग रहा है कि अब वो गेम मिल गया और उस गेम का नाम है अमोंग अस। अब ये गेम क्या है, इसे कैसे खेलते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कैसे पॉपुलर हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस टाइप का वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो और अमोंग अस का नाम अभी तक आपने नहीं सुनाना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे जाके खेल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा अमोंग अस के बारे में। इसके बारे में मुझे कैसे पता चला, कुछ दिन पहले मैं एक चैट कर रहा था अपने ग्रुप में, वहां पे मुझे पता चलता है कि लोग डिस्कस कर रहे हैं अमोंग अस खेलने के बारे में। तो सब लोग अमोंग अस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर मैंने थोड़ा नेगलेक्ट किया। उसके बाद आज मुझे पता चलता है कि Q3 2020 में मोस्ट डाउनलोडेड गेम है प्ले स्टोर पे, वो अमोंग अस है। उसके बाद मैंने इसके चार्ट्स देखे, स्टीम चार्ट्स के अंदर देखा जाए तो एक बार में 3.5 लाख के ऊपर लोग खेल रहे थे। इसके साथ ही गूगल ट्रेंड्स में ये यूएसए में, दुनिया भर में, इवन इंडिया में भी नंबर 1 रैंकिंग के अंदर आ रहा है, अगर हम सर्च के बारे में बात करें तो। यानी कि लोग इसके बारे में एक्साइटेड और बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। लेकिन आखिर इस गेम में ऐसा है क्या? तो वेल, पबजी जब बैन हुआ तो उसकी कहानी पूरी अलग हो जाती है, लेकिन पबजी के बाद इस गेम ने जो जगह लेने वाला लग रहा है ना, ये पबजी जैसा गेम पहली बार बिल्कुल ही नहीं है। ये कोई एक्शन पैक गेम नहीं है, हालांकि थोड़ा सा एक्शन होता है लेकिन कोई भी एक्शन नहीं, इसमें दिमाग का ज़्यादा काम होता है, बहुत ही लो एंड फोन के अंदर भी चल सकता है। कोई इसके अंदर हाई एंड ग्राफिक्स नहीं, कोई खतरनाक फिजिक्स नहीं है, कोई मैप्स नहीं है, कोई चिकन डिनर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बिल्कुल आपको देखने में लगता है मिनी मिलिशिया जैसा। अब इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्पेस क्राफ्ट देखने को मिलता है, उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर कुछ क्रू मेंबर से, जिसके अंदर क्या रहता है कि सब लोगों को टास्क असाइन किया गया। अब वो जो टास्क होता है ना, सभी क्रू मेंबर्स को करना है। अब ये एक मल्टीप्लेयर गेम है, हर एक आदमी जो उस गेम को खेलेगा वो क्रू मेंबर बन जाएगा। जी हाँ, अब इस गेम का जो कंसेप्ट है ना, कुछ कुछ माफिया गेम्स जैसा है। जिस तरीके से एक जो आ जाता है ना माफिया, वैसे यहाँ पर एक ट्रेटर आ जाता है। यानी कि सभी क्रू मेंबर्स को कुछ टास्क दिया गया है कि स्पेसशिप में ये काम करना है या स्पेसशिप को ठीक करना है, सभी अपना अपना काम करते रहेंगे। फिर एक जो ट्रेटर आ गया है ना, उसका काम यह रहता है कि वो जाके लोगों का जो काम हो रहा है उसे रोके, और जो लोग होते हैं ना उनको खंजर भुक के मार दे। जी हाँ, इस गेम में सिर्फ इतना ही एक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब भी इस टाइप की चीज़ें होती रहेंगी ना, तो सारे क्रू मेंबर्स की मीटिंग होगी, वो लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें से ये ट्रेटर है या ये ट्रेटर है, और जो भी ट्रेटर निकलेगा, मतलब जो वोट करके जिस बंदे को पकड़ेंगे ना, उसको चिप से बाहर फेंक देंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उनका आदमी हो या वो ट्रेटर हो, कोई भी हो सकता है, कोई इनोसेंट को भी उठा के शिप के बाहर फेंक दिया, हो सकता है ट्रेटर को भी उठा के बाहर फेंक दिया। तो पूरा देखा जाए तो एक माइंड गेम टाइप से, बहुत ही बेसिक से ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल आर्केड स्टाइल का देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो बहुत ही लाइट वेट गेम है, पीसी में स्टीम के ऊपर ये महंगा गेम, मतलब स्टीम के ऊपर ये जो है ना ये गेम एक पेड गेम के रूप में आता है, लेकिन एंड्रॉयड के ऊपर ये फ्री है। और देखा जाए तो इसका जो मेन पॉपुलैरिटी का रीजन है ना, वो है ट्विच स्ट्रीमर्स। कोरिया में गेम पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ, मतलब ये सच बताया तो ये इनर स्लॉथ नाम की कंपनी है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी, उसने गेम 2 साल पहले बनाया था, अब जाके गेम पॉपुलर हुआ है। और एक और बात है कि कोरियन के कुछ स्ट्रीमर्स ने इसे स्ट्रीम करना चालू किया, फिर टॉप 10 में से टॉप 8 ट्विच स्ट्रीमर्स इसे स्ट्रीम करने लग गए। इसके बाद ये गेम जापानी में भी पॉपुलर होने लग गया और इंडिया में भी इसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई। यानी कि इसको पीसी के रूप में स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब इसकी जो मेन पॉपुलरिटी आ रही है ना, वो आ रही है मोबाइल फोन से। अभी आपने इस टाइप के मल्टीप्लेयर गेम्स काफी सारे खेले होंगे, और खास बात ये कि आप वाईफाई हॉटस्पॉट बना के बिना इंटरनेट के भी आप अपने दोस्तों के साथ इस गेम को खेल सकते हो। और एक और चीज़ ये कि इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर कर भी अपने सर्वर के साथ खेल सकते हो, यानी कि अलग अलग जगह के अलग लोगों के साथ, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी कि बात की जाए तो उसमें मार धाड़ बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई हाई एंड ग्राफिक्स नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल, और लोगों को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। खैर, देखने वाली बात हो कि आगे चल के क्या रहता है, लेकिन मैंने इस गेम के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, एग्जैक्टली गेम कैसा है। पर्सनली गेम को थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया, मुझे इस टाइप के गेम्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, मेरे को थोड़े स्टोरी ड्रिवन गेम्स और जो रोल प्लेइंग गेम्स होते हैं ना, MMORPG, थोड़े अलग अलग टाइप के गेम्स पसंद आते हैं, इसलिए मैं एक्सबॉक्स ले रहा हूँ, लेकिन वो बात अलग हो जाती है। लेकिन जनरली परस्पेक्टिव में बात की जाए तो जिस गेम की हमें रिक्वायरमेंट थी कि पबजी तो चला गया, उसके बाद लोग बोल रहे थे कि आखिर पबजी की जगह कौन लेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर पबजी या फिर पबजीओ जैसे क्लोन काफ़ी सारे आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन कोई एक ऐसा गेम नहीं था। और हमेशा यही होता है यार, जब कोई एक नई चीज़ मार्केट से आउट होती है ना, तो उसको रिप्लेस जो चीज़ करती है ना, वो उसका क्लोन नहीं होती, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है। और यहाँ पे शायद से अमोंग अस है, क्योंकि देखा जाए तो पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है इसकी।
मतलब ग्लोबल लेवल पे तो जा रहा है, इंडिया का पता नहीं क्या रहता है। क्या आप लोगों ने अभी तक ट्राई किया अमोंग अस को, क्या खेल रहे हो उसे? तो प्लीज़ ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर अमोंग अस के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग बात लगी है तो भी कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।